नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। नए साल में बिना लाइसेंस के गुटखा पान मसाला बेचते पाए जाने पर लगेगा निगम का डंडा। प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा बेचने और बिना लाइसेंस अन्य पान मसाला की बिक्री करने को लेकर 1 जनवरी से नगर निगम व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगा। फिलहाल ऐसे सभी दुकानदार जो अपने यहां गुटखा पान मसाला बेचते रहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस दरमियान सभी को नगर निगम से पान मसाला के उत्पादन, भंडार एवं बिक्री का लाइसेंस प्राप्त करना है। 31 के बाद निगम का डंडा चलेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी मो असीम ने नेतृत्व में एक इन्फोर्समेंट टीम गठित की गई है। यह खबर है धनबाद से। यह टीम नगर निगम क्षेत्र के 5 अंचल धनबाद, झरिया, सिंदरी, छाताटांड और कतरास में छापेमारी करेगी। तत्काल जुर्माने के साथ गुटखा पान मसाला भी जब्त होगा। खबर है रांची से। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीति। नेतरहाट, पतरात, मैकलुस्कीगंज और मसांजोर में सरकार देगी इनको ट्रीट। नीति, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई नीति बना रही है। पर्यटन विभाग द्वारा नई पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसमें पर्यटन स्थलों के विकास के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ कराने की मुकल्लम योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर नई पर्यटन नीति की घोषणा करने की तैयारी की जा रही है। खबर है रांची से। मार्च तक शहर के ज्यादातर इलाकों में हाई टेंशन तार हो जाएंगे भूमिगत। राजधानी में सभी हाई टेंशन तार मार्च तक भूमिगत हो जाएंगे। रांची सर्किल ने केबल कंपनी से 6 डिवीजन की कार्य योजना रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद इस मामले में नए निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक 3311 केवी नामकुम कोसई फीडर के 20 किलोमीटर और मोराबादी पावर सब स्टेशन के 30 किलोमीटर हिस्से को चार्ज कर दिया जाएगा। राजधानी के अंदर करीब 1350 किलोमीटर हाई टेंशन ओवरहेडेड तारों को जाल बिछा है। इसमें तकरीबन 350 किलोमीटर 33 केवी जबकि शेष 1000 किलोमीटर 11000 वोल्ट की तारे हैं। अभी बिरसा चौक, हिनू एयरपोर्ट, चुटिया, प्रगति पथ में तारों को भूमिगत करने का काम किया जा रहा है। सरना कोड के लिए आंदोलन तेज। 31 जनवरी को होगा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम। सरना धर्म कोड लागू करने के लिए 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इस बात की घोषणा आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखोन मुर्मू ने राजभवन पर आयोजित एक दिवसीय धरना के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। क्या झारखंड के नेता सरना धर्म कोड को सिंगायत धर्म की तरह खारिज करना चाहते हैं? इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 के जनगणना वर्ष में आदिवासियों को अब तक धार्मिक पहचान और मान्यता के साथ शामिल होने का न्याय और अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत यह उनका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है। झारखंड में ठंड से कब मिलेगी राहत? क्रिसमस में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। पश्चिम की ओर से चलने वाली हवा की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण ठंडा का अनुभव होगा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 24 दिसंबर से आसमान में हल्का बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव होगा। इस कारण क्रिसमस के मौके पर भी कनकनी बनी रहने की संभावना है। 19 खिलाड़ियों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू। सीधी नियुक्ति के लिए खेल विभाग ने 19 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। विभाग की तरफ से इनकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खेल विभाग के सूत्रों के मुताबिक हेमंत सरकार को 1 साल के कार्यकाल यानी 29 नवंबर से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के दूसरे दौर में तकरीबन 799 आवेदन मिले थे। इनमें से 23 खिलाड़ियों को योग्य पाया गया। इनमें से 4 खिलाड़ियों के नाम में
उठे विवाद को देखते हुए उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब 19 प्लेयर्स के सभी सर्टिफिकेट की जांच खेल विभाग करने में लगा गया है। हाथियों ने 7 घरों को क्षतिग्रस्त कर धान खाया, फसलों को भी रौंदा। यह खबर बताया जा रहा है कि हजारीबाग से जंगली हाथियों के सूंड ने केरेडारी में सोमवार को लगातार दूसरी रात भी तबाही मचाई है। हाथियों ने शाम 7 बजे ही केरेडारी पंचायत के बड़का आम टोला के 7 घरों को क्षतिग्रस्त कर वहां रखे धान को खा गए। इसके बाद पसिया बांध व सुरकंडवा में किसानों के गन्ना, आलू, बीम, चना आदि फसलों को रौंद दिया। लगभग 1 करोड़ में गन्ना फसल को नुकसान हुआ है। इधर हाथियों के उत्पात की वजह से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। हाथी मंगलवार के दिन में आसपास जंगल में 7 नंबर डैम के किनारे बैठे थे। नुकसान का मुआयना कर रहे वीडियो अमित कुमार श्रीवास्तव व थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी बड़का आम टोला पहुँचे। साथ में केरेडारी पंचायत के मुखिया तापेश्वर साहू भी थे। इन्होंने नुकसान का मुआयना किया, इसकी सूचना डीसी को भी दी गई है। यह खबर है रामगढ़ से। रामगढ़ में देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस को देख होटल की छत से कूदकर भाग रहे थे बदमाश। गोला थाना क्षेत्र के रामगढ़ बोकारो मार्ग में मठवाड़ा टाण स्थित एक होटल से सोमवार को पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को देख इनमें से 4 बदमाशों ने होटल की छत से कूद भागने का प्रयास किया था, जिससे 3 लोगों के पैरों में चोट आई है। उनका इलाज कराया जा रहा है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने गुल कर दी गुपकार गैंग की बत्ती, कांग्रेस की भी हालत खराब। खबर लिखे जाने तक जम्मू कश्मीर में कई चरणों में हुए डीडीसी चुनाव के परिणाम 280 सीटों पर 2178 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला है। मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हो गई। चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, इसलिए फाइनल नतीजे आने में समय लग सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं जो भाजपा के लिए सुखद संकेत है। वहीं गुपकार गैंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं। भाजपा ने गुपकार गैंग की बत्ती गुल कर दी है, वहीं कांग्रेस की भी हालत खराब है। जहांगीर ने काट डाले थे जिसके 2 बेटों के सिर। उस रहीम के मकबरे का 3000 मिस्त्री और 1.75 लाख घंटों में हुआ मरम्मत। आगरा के ताजमहल के बारे में तो सभी को पता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन उससे 5 दशक पहले ही अकबर के सेनापति और कवि अब्दुल रहीम खाना खान ने दिल्ली में अपनी बीबी माँ बनू की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। पीएम मोदी को अमेरिका से मिला बेहद खास सम्मान, ट्रंप ने किया सम्मानित। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरनजीत संधु ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया। कोरोना से जंग जीतने के करीब भारत, 6 महीने में अब तक की सबसे बड़ी राहत, जाने 24 घंटे का हाल। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में आज फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब 6 महीने बाद कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 20,000 के नीचे दर्ज की गई, जो कोविड-19 से जंग लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना वायरस के 19,556 नए केस दर्ज किए गए। वहीं इसी अवधि में 301 लोगों की मौत हुई है। मौत और नए मामलों के मामलों में तुलना में आज यानी मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2 जुलाई के बाद यानी 6 महीने में कल सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 साल से पहले भी उठा सकते हैं इसका फायदा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर इस समय 4.4% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या 60 साल से कम उम्र के शख्स के नाम पर सेविंग स्कीम खुलवाई जा सकती है। इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 साल से पहले भी उठा सकते हैं इसका फायदा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त को जानिए। शर्त इस प्रकार है,
अमूमन 60 साल की उम्र के बाद कोई बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकता है। वैसे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जिनकी उम्र 50 से ज्यादा और 60 साल से कम है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने में एक महीने के भीतर यह अकाउंट खुलवाना होगा। अगर कोई सिविल एम्प्लॉई 55 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है और वो रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है तो एक महीने के भीतर सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। खबर बेंगलुरु दंगे से है। पीएफआई और एसडीपीआई के 17 नेताओं को एनआईए ने किया गिरफ्तार। अगस्त में बड़े पैमाने पर हुई थी हिंसा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 17 नेताओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आरोप है कि वह 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु स्थित केजी हाली पुलिस स्टेशन के नजदीक बड़े पैमाने पर हुए दंगों और हिंसा की घटनाओं के संबंध में शामिल थे। भू माफिया पर गरजे सीएम योगी, बोले किसानों के पास गए तो होगी दुर्गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान ही अपने खेत के मालिक होंगे। किसानों के सामने कोई भी माफिया बनकर जाएगा तो माफिया की वही दुर्गति होगी जो प्रदेश में हो रही है। किसान आंदोलन सेलिब्रिटीज के जमावड़े से खालिस्तानी प्रदर्शन तक। संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन का रुख धीरे धीरे बदल चुका है। एमएसपी के मुद्दे से शुरू हुआ यह आंदोलन अब खालिस्तानी समर्थकों की अराजकता तक पहुंच गया है। ये आंदोलन अमली मूल मांगों के स्वरूप से इतर सीएए एनआरसी जैसे मुद्दों पर बात करने लगा है। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकियां दी जा रही है, जो दिखता है कि ये समाज के कुछ खास लोगों द्वारा प्रायोजित है। क्रिसमस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करो, सत्ता खोने से पहले संयम खोती जा रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट और बीजेपी का वहां पर बढ़ता जनाधार देखकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिमागी हालत खराब हो गया है। ममता सार्वजनिक रैलियों पर ऐसे बयान दे रही है जिससे उनका ही मजाक बन रहा है। ममता ने जब बीजेपी पर धार्मिक नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि क्रिसमस पर देश में राष्ट्रीय अवकाश क्यों नहीं होता है। एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला इतना अजीबोगरीब बयान देना, दिखता है कि वह खुद वह धार्मिक नफरत की राजनीति कर रही है क्योंकि चुनाव की हार सामने देख उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ममता ने स्वीकारा वो बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती, अब केजरीवाल पवार और अन्य नेताओं को लिया सहारा। राजनीतिक में चुनावों से पहले नेताओं के हाव भाव बता देते हैं कि वो चुनाव नतीजों को कैसे देख रहे हैं और क्या वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं भी या नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाव भाव और उनके लड़खड़ाती जुबान साफ संकेत देती है कि वह उनके हाथ से बंगाल का किला दरक चुका है। वह समझ चुकी है कि बीजेपी को अकेले हराना नामुमकिन है, इसलिए अब वो विपक्ष के नेताओं को बुलाकर बंगाल में रैलियां करवाने की प्लानिंग कर रही है, जो कि बेहद ही बचकानी हरकत जैसा ही है। बौद्ध धर्म की विरासत का इस्तेमाल कर पूर्वी एशियाई देशों को चीन से छीन रहा है भारत। इन दिनों कूटनीतिक हो या रचनात्मक हो या आर्थिक मोर्चा, भारत से चीन को हार ही मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो न सिर्फ शोध और वार्ता के लिए एक मंच होगा बल्कि इसके जरिए भारत पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंध सांस्कृतिक रूप से मजबूत कर सकेगा। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव, पहली बार कश्मीर घाटी में खिला कमल, श्रीनगर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव की मतगणना जारी है, जिसके शुरुआती रुझान में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बना गुपका घोषणा पत्र गठबंधन भाजपा से आगे दिख रहा है। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है तो दूसरी तरफ पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है। बिना डॉक्यूमेंट कैसे करें आधार कार्ड के लिए अप्लाई, जानिए। आधार एक महत्वपूर्ण फाइनेंस डॉक्यूमेंट बन चुका है। पैन के लिए अप्लाई करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। आधार कार्ड हासिल करने के लिए आपको वैलिड आईडी
आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि, वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन यदि किसी के पास ये डॉक्यूमेंट न हो तो क्या वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए जानिए आगे। अब खबर खेल जगत से। नाइट कर्फ्यू तोड़ने के चक्कर में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े सुरेश रैना और गुरु रंधवा, 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मुंबई एयरपोर्ट के पास कोरोना के दिशा निर्देश के उल्लंघन के मामले में हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापा मारा जहां कोरोना के उल्लंघन के आरोप में रैना, सिंगर गुरु रंधवा सहित 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। सहार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में रैना और रंधवा भी शामिल है। हालांकि आरोपियों के बाद में बेल कर रिहा कर दिया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।